एक बाप जो 22 साल से अपने बच्चों और पत्नी के बिना ही रह रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी बीवी के शौक पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वो गरीब था, बस इसलिए इसकी बीवी से छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। लेकिन जैसे ही इस गरीब पति के खाते में 28 लाख रुपए आए, वैसे ही लालची बीवी बच्चा लेकर फिर इसके दरवाजे आधमकी और पैसों के चक्कर में पति से प्यार जताने लगी। 22 साल बाद अनिल का परिवार उसके पास वापस लौट कर आया, वो भी 28 लाख रुपए के लिए। अभी तो सोचने की बात है, जिस परिवार को 22 साल से उनकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, अब वो क्यों आए हैं? आप ये पूरी कहानी खुद अनिल की जुबानी सुनिए। ये सब रक्षे में रहते हैं, ना मायके में रहते हैं ना सासरे में रहते हैं, रक्षा में रहते हैं और वहीं पे जो अपना रह के जो भी करते हों, मुझे इसका पता नहीं है। ये मालूम है कि मेरा बच्चा एक बड़ा वकील है और छोटा बच्चा सक्षम है, वो भी 22 साल का है और मुझे आज तक कभी इन्होंने देखा नहीं है। 20 साल हो गए मुझे छोड़ें कि पापा जी कैसे हैं, कि भूखे हैं, कि प्यासे हैं, कि मंदिर पे रह रहे, किस प्रकार से रह रहे। मैं अपना जीवन यापन करता रहा, तारीखें करता रहा और इसके पश्चात जब अभी जी मेरे पास बीड़ा का पैसा आया है, कितना? 28 लाख। तो मेरा बच्चा आके वो मुझसे कहने लगा, बापू वो हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। हमने कि रहना चाहते हो तो हम कौन मना करें, आखिरकार तुम्हारे लिए है जो कुछ है। तो बोले ठीक है सर, ये मेरे पास आ गया। आ गया तो मैंने ये मकान प्लॉट पड़ा था उधर, मैंने काम लगा दिया प्लॉट पे। प्लॉट पे मैंने काम लगा दिया तो मुझे 1.5 लाख रुपए देना था मिट्टी के पुराए का, 1 लाख और 50,000 रुपये देना था मुझे कारीगर को। तो मैं 1.5 लाख रुपए निकाल के और अपने वहाँ पे पहुँच गया जहाँ मेरा प्लॉट है। वहाँ पे मेरे इन्होंने 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ जेब में देखे तो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे ऐसे मेरे बगल में आ गए। मैं गिट्टी के ढेर पे बैठा था मैं, तो एक पत्नी ने इस हाथ जेब में हाथ डाल लिया और इस एक हाथ में इस में मेरे बड़े बच्चे ने मेरे पैसे निकाल लिए और मुझे गिट्टी पे पटक दिया। काफ़ी लोग देख रहे थे और सब लोग देखा रहेगा और इन्होंने पैसे मेरे निकाल लिए। जब पैसे निकाल के वो चलने लगे तो मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा ये मोबाइल और पैसे छीन लिए हैं इन्होंने, मेरा मोबाइल दिला दो। तो मैंने भाई से बोला तो भाई मेरा गया मेरी पत्नी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुन्ना का मोबाइल दे दो, उसके फोन वोन आते हैं। तो मोबाइल दे के वो पैसे लेके ये लोग भाग गए। पैसे लेके भाग गए तो हम फिर रह गएंगे। फिर इन्होंने मुकदमा कहा मुझ पर, एक दो नोटिस जारी और करवाया मुझ पे और मेरे भाई पे, क्योंकि इन्होंने हेल्प की है। कब आपकी पत्नी छोड़ के चली गई थी, आपको क्यों छोड़ के चली गई थी? इसलिए साहब के मैंने छोटा बच्चा जो मेरा है वो मेरा नहीं है, मैंने किया उसका विरोध। मैंने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसने कहा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे अगर तुम ये कहोगे तो। हमने कहा हम सत्य बात कहने में क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों कहते थे कि बच्चा नहीं है आपका? जब हमारे हिसाब से हमारा बच्चा जो नहीं है तो नहीं है। क्यों भाई, ये तुमने कहाँ से कर लिया जी दूसरा बच्चा पैदा, जी जो जानकारी हमको, हम ये ऐसा जानकारी हुई थी आपको? हमारा बच्चा हिसाब से होना था तो ये फागुन में होना था और ये जो बच्चा हुआ है फिर जेठ में, तो 2 महीना का फर्क चल रहा है इसमें। इस आपकी पत्नी के संबंध है? हाँ संबंध है, एक वो क्या नाम है वो श्याम पाठक हैं, हमारी पत्नी का बहन का दामाद है जो रसबहार कॉलोनी के हैं रहते थे। वहीं पे मुझे जो मेरी पत्नी ले गई है कि हम अपन झांसी रहेंगे और झांसी में कमरा लेके रहेंगे। मैं बातों में आ गया, मैं झांसी में रहने लगा। फिर श्याम पाठक से इनका संपर्क हो गया तो श्याम पाठक के साथ में जो इनका रिलेशन बन गया। मैं उस समय पर ऑटो चलाता था गाड़ी छोड़ के, तो ऑटो चलाने लगा आपने, इस प्रकार से ये विवाद हो गया उस पर। और फिर आपके खिलाफ कैसे निकले आप? मेरे दोनों पैर तोड़ के इन्होंने झूठा मुकदमा कायम करके 307 में मुझे जेल डलवा दिया था। मैं जेल रहा 3 महीने, 3 महीने के बाद मेरी जमानत हुई, फिर मैंने मुकदमा लड़ा, फिर मुझे 9 महीने बाद मुझे सजा बोल गई। सजा बोलने के बाद में मैं फिर 9 महीने 6.5 महीने फिर रहा जेल में। 6.5 महीने के बाद में मुझे फिर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई, मैं 10 साल से 2010 में निकला हूँ। फिर
अब आपके पास बीड़ा की रकम आई। हाँ। बीड़ा की रकम आने के बाद अब क्या रवैया है आपकी पत्नी और बच्चों का? उनका जी रवैया है कि तुम सारा पैसा हमको दे दो और ये गाड़ी दे दो और आप मंदिर पे रह रहे मंदिर पे रहो, नहीं हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या पैसे के लिए मांग कर रहे हैं वो लोग के पैसा? क्या पैसे के कारण फिर दोबारा उन्हें आपकी याद सताने लगी? पैसे के कारण है याद सताने लगी नहीं, वैसे मेरी कभी उन्होंने देख नहीं की ना कि बीमार है कि मेरा बाप विकलांग है कि कहाँ रह रहा है। कई साल से भूल चुके थे वो आपको? मैं आपको बता तो रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 2006 से उन्होंने मुकदमा कायम किया था, तभी से एक तरह की भूल ही है मुझको। वो नहीं पहचानते थे कि कौन है आप क्या है? हाँ हाँ नहीं वो हमको पहचानते जरा भी नहीं थे कि देखने तक नहीं आते थे कभी। पैसे की लालच में और प्रेमी के प्यार में अंधी पत्नी अपने बच्चों को लेकर 60 साल के बुजुर्ग के पैसे लूटने आ गई। फिलहाल अनिल ने इसकी शिकायत रक्सा थाने की पुलिस से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बकौल अनिल अपने बयान में कहते हैं कि पत्नी का किसी से चक्कर था जिसके चलते रोज झगड़े होते। मामला थाने तक गया, पुलिस ने मारपीट के आरोप में अनिल को जेल भेजा। उधर पत्नी प्रेमी के साथ रहने लगी। लंबे समय से अनिल अकेले रह रहे थे, गांव के एक मंदिर में वो पुजारी भी बन गए। तब से पत्नी का कोई अता पता नहीं। इस बीच जब जमीन सरकार ने ली तो मुआवजे के तौर पर खाते में 28 लाख रुपए आए। खबर मिलते ही पत्नी और बच्चे वापस लौट आए और अनिल को वापस ले जाने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर वो 1.5 लाख रुपए छीन कर भी ले गए। अनिल आगे कहते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चे रक्षा में रहते हैं, उन्हें बस इतना मालूम है कि उनका एक बेटा वकील है और दूसरा भी सक्षम है। जब अनिल के पास बड़ी रकम आई तो उनका एक बेटा आकर उनसे कहने लगा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। इस बीच गांव में पड़े एक प्लॉट पर काम भी लगा दिया गया। उसी कारीगर को 1.5 लाख रुपए देने थे। जब अनिल रुपए लेकर प्लॉट के पास पहुंचे तो वहां मौजूद पत्नी और बच्चों ने उनकी जेब से 1.5 लाख रुपए छीन लिया और वहां से फरार हो गए।